आज हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये एक फार्मूला है, दोनों फार्मूला हमें पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जिससे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाए। क्या आएगा? ये आएगा 4ab। जब हम इसको इधर ले जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, इस चीज़ को उठा के इधर ले जाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को 4ab के पास ले जाएंगे, हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू है 4, ए बी इक्वल टू 15/4। एक क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे ए प्लस बी तो हमें पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता चल जाएगी, दोनों से क्या निकालेंगे, दो इक्वेशन पता चल जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 × 15/4 ए बी। ए बी क्या दिया है, 15/4। जब हम इसको लिखेंगे क्या होया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार 1 लेते हैं ए माइनस की वैल्यू और यहाँ पे पुट करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, ए छोड़िए, ए ग्रेटर देन बी एक कंडीशन दे देता हूँ, ठीक। ये अगर देख लेते हैं तो फिर उससे ए की वैल्यू लेना पड़ेगा, ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 4, दोनों जोड़ देते हैं, 2a इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5/2। उसके बाद क्या आएगा, ए इक्वल टू 5/2 आ गया, इसमें पुट करेंगे तो बी इक्वल टू 4 − 5/2, क्या आएगा, 4 × 2 ये आएगा 3/2, ए की वैल्यू 5/2, बी की वैल्यू 3/2। −1 लेने पर भी एक आंसर आएगा, लेकिन वो भी देख लेते हैं, खैर हमने कंडीशन दी है वो भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमने माइनस इसकी वैल्यू −1 जब ले लेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू −1, ए प्लस बी इक्वल टू 4, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 2a इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3/2, बस वैल्यू इंटरचेंज हो जा रही है, बी इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्लस से माइनस में चेंज होगा तो वैल्यू ए बी की आपस में ही चेंज हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो हमने सारे फार्मूले पढ़े थे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी का, ये चीज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या फिर 4ab को इधर ले जाके ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी, ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी बोलते हैं कभी कभी इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कंपैरिजन करना, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/5 में हमें कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो पहले तो हमें पहले ही दिख गया, ये दोनों अगर हम देखते हैं, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 पावर 1/4, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/4, मतलब ये दोनों बराबर है। अब हमें कंपेरिजन करना किस में करना है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेट करके बताना नहीं है हमको, बिना कैलकुलेट किए हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या करेंगे, देखिए जो नीचे है इसका, पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जो नीचे है 2 और 3, इसका दोनों मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 = 6 आ गया, ठीक। अभी आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों करते हैं। 2 की पावर 1/2 है, इसको मान लेते हैं ए, 3 की पावर 1/3 है, इसको मान लेते हैं बी। उसके बाद क्या करेंगे, ये 6 है, इसके जो दोनों डिनोमिनेटर थे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, हम ए की पावर 6 निकालेंगे, बी की पावर 6 निकालेंगे, 2 की पावर 1/2 क्या है, अगर ए है, ए की पावर 6 क्या आएगा, 2 की पावर 1/2 पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। उसके बाद बी की पावर 6 क्या है, बी की पावर 6 क्या है, ये इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की पावर 6 क्या है, बी क्या है, 3 की पावर 1/3, अब बी की पावर 6 क्या है, 3 की पावर 1/3 की पावर 6 इक्वल टू 3 × 2 = 8 आएगा, 3² = 9। अब ए की पावर 6 8 है, बी की पावर 6 9 है, इन दोनों में बी की पावर 6 अगर बड़ा रहेगा तो बी भी ए से बड़ा रहेगा, क्योंकि ए की पावर 6
अब बी पावर सिक्स को कंपेरिजन करें, कौन सा बड़ा है? बी की पावर सिक्स, बी की पावर सिक्स नाइन आ रहा है ये, तो ए भी जो है क्या होगा, बी ए भी छोटा रहेगा बी से, ठीक। तो बी और ए में कंपेरिजन मिल गई। अब ऐसे ही दो दो करके हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन थ्री और फोर, थ्री और फोर, थ्री और फोर टू की पावर वन बाई टू है तो सेम ही था, तो तीन में तो कंपेरिजन हो गई। अब इसका इससे कंपेरिजन करना है, थ्री की पावर वन बाई थ्री का फाइव पावर वन बाई फाइव से। अब इसमें क्या करेंगे, थ्री की पावर वन बाई थ्री, फाइव की पावर वन बाई फाइव, इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, फाइव थ्री जाए फिफ्टीन। अब इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, अब पावर फिफ्टीन कर देंगे एक्स का, अब इसका भी पावर फिफ्टीन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री की पावर फाइव, इसका भी पावर फिफ्टीन हो जाएगा, ये आ गया फाइव की पावर थ्री, थ्री की पावर फाइव क्या होगा, थ्री थ्री नाइन, थ्री ट्वेंटी सेवन, थ्री ये आ जाएगा फोर्टी थ्री, टू फोर्टी थ्री, और ये आ जाएगा एक सौ पच्चीस। इन दोनों में जो बड़ा, कौन सा बड़ा, थ्री, इसका किसका पावर फिफ्टीन बड़ा, इसका, तो इसकी जब इसका मतलब थ्री की पावर वन बाई थ्री ग्रेटर देन फाइव की पावर वन बाई फाइव। पिछले एग्जाम्पल से मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं टू थ्री की पावर वन बाई थ्री ग्रेटर देन फाइव की पावर वन बाई फाइव, और यहाँ से हमने क्या देखा, ए, ए क्या माना था हमने, ए, ए क्या माना था, कहाँ गया, ए बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए मतलब थ्री की पावर वन बाई थ्री ग्रेटर देन टू की पावर वन बाई टू। अब हमारा बचा कौन सा कंपेरिजन, इन दोनों में, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, टू की पावर वन बाई टू फाइव की पावर वन बाई फाइव। फिर से क्या करेंगे, इन दोनों का पावर टेन कर देंगे, जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन है पावर टेन, ये हो जाएगा टू की पावर फाइव, फाइव की पावर टू, पच्चीस ही आएगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस आएगा, ये बड़ा इसलिए ये बड़ा इसलिए ये बड़ा, इसका मतलब टू की पावर वन बाई टू ग्रेटर देन फाइव की पावर वन बाई फाइव। इसका मतलब क्या, थ्री की पावर वन बाई थ्री ग्रेटर देन टू की पावर वन बाई टू ग्रेटर देन फाइव की पावर वन बाई फाइव, यहाँ से पता चल गया। और यहाँ पे एक फोर की पावर वन बाई फोर भी था, दोनों बराबर हो जाएंगे, वो तो दोनों सेम ही वैल्यू मैंने लिखी थी। तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं, अभी तरीके हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए यही तरीका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई थ्री, ये तो डिवीजन है, सिंपल है, लेकिन लेकिन ये इसमें चीज़ है, क्या चीज़ है इसमें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्लास टेंथ से रिलेटेड है, यूक्लिड के जो पॉस्टुलेट से उस पर रिलेटेड है, यूक्लिड के, क्लास टेंथ में या नाइन्थ में पता नहीं मुझको, क्या हो जाएगा माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई थ्री इसका रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, माइनस फाइव, माइनस फिफ्टीन घटा दिए माइनस टू, यही आ जाता है। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन क्या करते हैं, जैसे मान लो पंद्रह भागे दो किया हमने, तो हम क्या करते हैं, हमेशा पंद्रह से छोटी नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं और घटाते हैं। और ज़रा ध्यान से देखिए, माइनस पंद्रह और माइनस सेवनटीन में कौन सा बड़ा है, माइनस पंद्रह और माइनस सेवनटीन में माइनस पंद्रह बड़ा है, तो बड़ी चीज़ हम लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। और यूक्लिड का थ्योरम भी है कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा इससे छोटा आता है और जीरो से बड़ा आता है, मतलब ये जो रिमाइंडर आता है इस चीज़ से छोटा आएगा, मतलब तीन से छोटा और जीरो से बड़ा आएगा, इसलिए ये निगेटिव आ ही नहीं सकता। और अब इसका जो है लेटेस्ट चीज़ क्या होगा, माइनस सेवनटीन जो सही चीज़ क्या है, हम यहाँ पे ले जाएंगे माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस एट्टीन, अब रिमाइंडर आएगा वन, जो कि तीन से कम है और जीरो से बड़ा है, ये चीज़ यूक्लिड थ्योरम बताती है। उसके बाद क्वेश्चन एक, अभी अगले में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको देखें। मान लो कहीं गलती भी हुई है तो तरीका वही है, गलती मान लो हुई भी हो तो फिर से देख ली, देख सकते हैं इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, ए प्लस रूट बी इक्वल टू इलेवन और रूट ए प्लस बी इक्वल टू सेवन, ये क्वेश्चन बहुत सर्कुलेट होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको रूट है, दो चीज़ें हैं, दो इक्वेशन है, पता चल जाना चाहिए क्या आना चाहिए इसका आंसर। वैसे तो देखने में ही लग रहा है कि ये आएगा बी चार और ए आएगा क्या, बी आएगा, सॉरी ये आएगा, ए की वैल्यू आएगी नौ, ए नौ आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कराने पे तो हो ही जा रहा है, लेकिन इसका तरीका क्या है, रूट ए प्लस बी इक्वल टू सेवन। यहाँ पे ए को एक्स स्क्वायर मान लेंगे, बी को वाई स्क्वायर मान लेंगे और पुट कर देंगे,
ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या हो गया रूट बी वाई इक्वल टू 11। ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा और आराम से आ जाएगा, इससे ये इजी हो जाता है। जब x इक्वल टू 7 माइनस वाई स्क्वायर आया, इसको हम एक इस यहाँ जाके पुट कर देंगे 7 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 11। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये अगली अगली वीडियो में जानेंगे, अगले लेक्चर में। और क्या है और बहुत सारे दो चार क्वेश्चन और हैं, अगले में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन और एक चीज़ और जानेंगे सिंथेटिक डिवीजन। ये हालांकि ये 12th का नहीं है बट ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।